सबसे बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश के नीमच जिले से निकल के आ रही है, जहां पर चक्का जाम किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ये चक्का जाम जाद विधानसभा के गांव फूसरिया जो पंचायत है वहां पर किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह चक्का जाम किया गया। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, तस्वीरें देखे आप किस तरीके से ग्रामीणों चक्का जाम किया। ये खबर जो है 4 बजे के करीब बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों चक्का जाम किया था। साथ ही अगर बात करें तो ग्रामीणों की मांग थी कि सरपंच सचिव यहां पर काम नहीं कर रहे, जिसके चलते ग्रामीणों को छोटे बच्चे स्कूली बच्चे जो होते हैं उनको भारी परेशानी होती है यहां पर आने जाने को लेकर। जो बारिश का जब बारिश के दिन होते हैं वहां पर कीचड़ हो जाता है, उसे लेकर भारी परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, साथ ही जो ग्रामीण है उनको भी होती है। ऐसे में चक्का जाम किया गया। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं चक्का जाम को लेकर। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए किस तरीके से ग्रामीण चक्का जाम करे। साथ ही अगर बात करें तो जानकारी निकल के आ रही है कि ग्रामीण जो 15 अगस्त था उस वक्त जब बच्चे सड़क से निकल रहे थे, उस वक्त जो है बच्चों के जो स्कूली कपड़े थे उस पर कीचड़ लग गया, उससे लेकर आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। स्कूली बच्चों को जाने में भारी परेशानी होती है, उसे लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। पंचायत भी पहुंचे, वहां पर हल्ला बोल किया और जमकर नारेबाजी भी की। ये चक्का जाम करीब 2 से 3 घंटे चलता रहा। उसके बाद स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी मौके पहुंचे और SDM ने मौके पहुंचकर यहां पर ग्रामीणों से चर्चा की, उसके बाद जो चक्का जाम खुला। साथ ही अगर बात करें तो खबर ये भी निकल के आ रही है कि कुछ हुड़दंगी जो थे उनके बीच जो हाथापाई होगी, उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, इस तरह की भी जानकारी निकल के आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं आखिर किस सड़क को लेकर ग्रामीण नाराज है और किस तरह से चक्का जाम किया गया। धीरे धीरे रुक जा, आगे खड़ा होटा वो रेली बना दी। हमारे
आपका आखिरी देख ले।